हेलो गाइस, आई एम बैक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ 45 डे क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस सीरीज का पहला चैप्टर। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता लगाना है पहले कि ये फोटो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का है या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का है। आपको देख के साफ साफ पता चल रहा होगा क्या कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक डायग्राम है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि PS1 का नैनोमीटर कितना होता है, 700। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दिस प्रोसेस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP नॉट ऑफ NADPH प्लस एस पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, वहां पे क्या है, बस ATP बनता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O टू रिलीज 1O2। बिल्कुल गलत बात है, क्यों? क्योंकि वाटर का यूज होता था किसमें, PS2 में, और वो प्रोसेस कौन सा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे कोई भी वाटर का यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि नॉट एप्लीकेबल, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इट सर्व्स एज बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ हायर प्लांट्स। वो कौन सा है, तो वो है हमारा वाटर, जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का काम करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई द फाउल एयर प्रोड्यूस्ड बाई ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स। तो आपको याद होना चाहिए कि बेल जार एक्सपेरिमेंट हमारा किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टली साहब ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने बताया था क्या कि हमारे लिए प्लांट भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं कि बैड एयर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गुड एयर में, और उन्होंने नाम भी दिया था डीफ्लोजिस्टोन और फ्लोजिस्टोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जोसेफ प्रिस्टले साहब, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। पहला है मीजोफिल ऑफ पी लीव्स, मीजोफिल तो होगा ही नहीं, गलत है। सेकेंड है बंडल सीथ ऑफ मैंगो लीव्स, ये भी नहीं होगा। थर्ड है मीजोफिल ऑफ मेज लीव्स। देखो यार, हमें तो ये पता है कि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, C4 में होता है, ठीक। लेकिन C4 का एग्जाम्पल तो मेज भी है और शुगर केन भी है, फिर हम पता कैसे करेंगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट किस में होता है, बंडल सीथ में, ना कि मीजोफिल में। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बंडल सीथ ऑफ शुगर केन लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हमें ये पता है क्या कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं सही क्या है इसके बारे में। टेक प्लेस ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, ओनली है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीजोम में भी होता है। फिर ये अकर्स इन ऑल फोटो सिंथेटिक फॉर्म, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये C4 में, क्या ये C4 में तो होता ही नहीं है, C4 में ये होता ही नहीं है। थर्ड है क्या, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन C3 प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, C3 प्लांट्स में क्या है, प्रोडक्टिविटी को ये कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द इनकरेक्ट मेज, मेज C3 साइकिल, पहला ऑप्शन है, क्या सही है ये, बिल्कुल नहीं। सेकेंड है क्या कि शुगर केन, मेज C3 साइकिल, शुगर केन नो फोटो रेस्पिरेशन, शुगर केन में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि वो C4 प्लांट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, वीट, उसमें क्या बोल रहा है कि नो CO2 फिक्सेशन इन बंडल सीथ सेल, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वीट क्या है हमारा, एक C3 प्लांट है, और CO2 फिक्सेशन C3 प्लांट में बिल्कुल नहीं होता है, बंडल सीथ सेल में, तो सॉरी ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, राइस ट्रांसफर ऑफ मैलिक एसिड टू बंडल सीथ सेल फ्रॉम मीजोफिल, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मेलिक एसिड मीजोफिल सेल से, क्या मीजोफिल सेल से बंडल सीथ में होता है, ना कि बंडल सीथ सेल से मीजोफिल सेल में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए के साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स भी तो होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वेरी फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, नहीं। थर्ड है क्या कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और DNA, ना क्लोरोफिल बी भी तो होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन देखकर हमारा एक एक्यूरेट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स,
इस हंड्रेड ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जितने भी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है या फिर मेन पिगमेंट्स है सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी एनएडीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन सुक्रोज इन केल्विन साइकिल। एक सुक्रोज बोलने का मतलब क्या है यार कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और हमें पता है कि एक टर्न जब चलता है केल्विन साइकिल तो कितना ग्लूकोज बनता है, एक भी नहीं बनता है। जब दो टर्न चलता है तो कितना ग्लूकोज बनता है, वन ग्लूकोज या फिर वन फ्रक्टोज बनता है। तो जब एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना हमें एनएडीपीएच लगता है, कितना 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि सुक्रोज बनाने के लिए कितना लगेगा, सुक्रोज का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो टोटल कितना हमें लगेगा एनएडीपीएच, 24 लगेगा किसको बनाने में, 24 लगेगा किसको बनाने में, एक सुक्रोज को। कैसे यार, जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पहला हमारा जो एनएडीपीएच होता है वो कब रिलीज होता है, अगर आपको याद हो केल्विन साइकिल, तो जब 6 मॉलिक्यूल का 3PGA कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P में, ग्लाइकोलेट फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हो जाता है वहां पे, तो 6 क्या होता है, रिलीज होता है एक बार में। जब दो बार चलता है तो वो कितना रिलीज करता है, 12 NADPH। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेपकेज एंड रूबिस्को इन C4 प्लांट्स आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन। तो ये जो हमारा C4 प्लांट है ये क्या है, हमारा एक स्पेशलाइज्ड क्रेन्स एनाटॉमी शो करता है। इस क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है, वास्कुलर बंडल सराउंडेड होते हैं किससे, बंडल सेल से, जो कि एक रिंग फॉर्म में होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये पेपकेज कहाँ पे होता है, तो पेपकेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, मैलेट में, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल से बंडल सीत सेल में। फिर वहाँ पे मैलेट का क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन किसके लिए, पायरुवेट को और CO2 में। ठीक है, फिर CO2 वहाँ पे रूबिस्को के द्वारा फिक्स किया जाता है किसमें, थाइलेकोइड ऑफ बंडल सीथ सेल में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म एंड थाइलेकोइड्स होना चाहिए। ठीक है, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मैच द कॉलम। तो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, लाइट रिएक्शन। तो क्या हो गया, ए का तो 2 होगा, दो ऑप्शन में हमारे ए का 2 है। फिर बोल रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में तो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, तो बी का क्या हो गया, 3। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड इन। मैंगनीज और क्लोरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। ठीक है, फिर हमारा ये भी डायग्रामेटिकल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है मतलब क्या कि CO2 का हो रहा होगा यूज और बन रहा होगा क्या O2 या फिर सुगर। तो हमने क्या है पहले किसका ले लिया, CO2 का यूज होगा, तो सी और डी ऑप्शन में CO2 हमें मिल चुका है। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या बोल रहा है हमारा कि इसमें सेकेंड में क्या बनेगा, तो सेकेंड में हमारा क्या बनेगा, CO2 है तो H2O तो बन नहीं सकता है और ATP का पता नहीं। फिर अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन देखे यार, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, CO2 का एसिमिलेशन होता है और उससे बनता है क्या, हमारा शुगर बनता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसलिए ये 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, H2O, और रिलीज क्या हो रहा होगा हमारा, ऑक्सीजन। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, या फिर इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में पूछ सकता है कि फेरोडॉक्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। तो ये किसके कंपोनेंट होंगे यार, फोटोसिस्टम 1 के होंगे या फिर फोटोसिस्टम 2 के होंगे। ये जो है फेरोडॉक्सिन, ये किसमें प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, किसी में भी नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे ये रहा हमारा फेरोडॉक्सिन, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसमें, PS1 में, जो कि 700 नैनोमीटर का होता है, और वो कौन सा होता है हमारा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, हमारा फोटोसिस्टम 1 जाएगा। ठीक है,
फोटो सिस्टम टू नहीं बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं पूछा है, इसमें बस पूछा है कि ये कंपोनेंट किसका है, तो कंपोनेंट किसका होगा हमारा, PS1 का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि C3 प्लांट हैव बीन यूज्ड एज अ ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ठीक, C3 प्लांट्स आर यूज्ड एज अ ग्रीन हाउस क्रॉप्स फॉर हायर यील्ड बिकॉज, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन क्या है यार कि C3 प्लांट शो सेचुरेशन एट अबाउट 360, नहीं ये तो C4 वाला है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो यार, बोल रहा है क्या कि C3 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C4, बिल्कुल नहीं, C4 प्लांट मोर एफिशिएंट होता है देन C3। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि C3 प्लांट लूज लेस वाटर एज कम्पेयर टू C4, नहीं नहीं C4 प्लांट कम वाटर लूज करता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं कि C4 प्लांट कैन टॉलरेट ड्राई कंडीशन, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C4 प्लांट। पहला ऑप्शन, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। दे लेक अ प्रोसेस कॉल फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोल रहा है कि दे शो C3 साइकिल इन मेसोफिल सेल, ना ना C3 साइकिल ये तो बंडल सीथ सेल में शो करता है, किसमें? बंडल सीथ सेल में शो करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑन द रेट ऑफ केल्विन साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, नहीं। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, नहीं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव क्यों होगा, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रूबिस्को है वो O2 एंड CO2 दोनों के लिए एफिनिटी शो कर रहा होता है, लेकिन जब इसको जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा उसके लिए ये काम करेगा, जब O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और CO2 के लिए वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा, दैट्स वाई आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन अकर इन द C3 एंड C4 प्लांट विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन C3 प्लांट में किसके द्वारा होता है, RuBP के द्वारा, किसके प्रेजेंस में, RuBP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। और C4 प्लांट में किसके थ्रू होता है, PEP मॉलिक्यूल के थ्रू, किसके हेल्प से, PEP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस से। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, RuBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन हैच एंड स्लैग पाथवे कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर्स रिस्पेक्टिवली इन। देखो हमें ये पता है कि केल्विन साइकिल C4 प्लांट में किस में रन कर रहा होता है, बंडल सीथ सेल में रन कर रहा होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन भी कहाँ हो रहा है, बंडल सीथ सेल में हो रहा होता है। ठीक, जो CO2 रिलीज होता है बंडल सीथ सेल में वो फिर किस में इंटर कर जाता है, C3 पाथवे में, और वहां पे क्या हो जाता है, उसका फिक्सेशन हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है ना यार कि जो CO2 का एसिमिलेशन करके शुगर बना है उस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। सो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बंडल सीथ सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन केल्विन साइकिल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एंड प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है हाउ मेनी कार्बन्स। केल्विन साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर जो होता है कौन सा होता है, RuBP, और वो एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो क्या हो गया हमारा ये 5 कार्बन का हो जाएगा, कौन सा, RuBP, एंड प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का आता है। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन रिगार्डिंग द प्रोसेस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट इन केमियोसमोसिस। पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा थ्रू F0 पार्ट ऑफ ATPase। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटो सिस्टम, गलत। थर्ड है क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा फॉर रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADP, ये भी नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ H+ विथ इन द ल्यूमेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी नहीं। मतलब क्या कि ये तीनों क्या है हमारे, सही है,
क्वेश्चन पूछा है क्या कि कौन से ऑड है, कौन सा ऑड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्यों? क्योंकि ये तीनों सही है और ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ नॉट और एफ वन दोनों से ये पास करता है कौन हमारा प्रोटोन, तब जाके एटीपी एक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वेक्यूल्स आर, वाटर सोल्यूबल कौन होता है यार हमारा, फाइकोबिलिन वाटर सोल्यूबल होता है। आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस पे जाए, वहाँ पे हमने एक पिगमेंट्स करके वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, एंथोसायनिन एंड फाइकोबिलिन हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, पहला ऑप्शन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो एटीपी पूछा है तो आंसर बोथ जाएगा, लेकिन अगर वो एटीपी और एनएडीपीएच बोथ पूछा होता तो आपका आंसर बस कौन सा जाता, नॉन साइक्लिक, लेकिन यहाँ पे बस एटीपी की बात कर रहा है तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, बोथ जाएगा, आपका आंसर कौन सा जाएगा, बोथ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये भी डायग्राम का है हमारा, एनसीईआरटी का डायग्राम, पूछा है कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा और सी कौन सा होगा। तो बी का साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देख के आ रहे क्या कि बंडल सीथ सेल में ही क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, और वहां पे ही क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। तो ये सी फोर से जो बी आएगा, बी हमारा क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो या तो आंसर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। और फिर देखो सी क्या होगा हमारा, रीजनरेशन होगा, क्यों, क्योंकि इस पायरुविक एसिड से किसका रीजनरेशन हो रहा है, पीपी का, बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यार, सी हो जाएगा, क्या कि पहले हो रहा है फिक्सेशन, फिक्सेशन किसको बोल रहे हैं हम, कि CO2 से, CO2 को एटमोसफेयर से पीपी लेके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, OAA में, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज द CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, नहीं ऐसा कुछ गलत बात है, ये दे है मोर क्लोरोप्लास्ट, सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि द CO2 कंपेंसेशन पॉइंट इज मोर, नहीं नहीं C3 प्लांट का ज्यादा होता है। फिर क्या है कि CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, C4 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि C4 प्लांट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देखे क्या आ रहे हैं कि जिसमें एक रीनल क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे क्या है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C4 प्लांट में कौन सा होता है, क्या पीजीए है वो हमारा, बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखो साइट ऑफ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, पीपी, सही बात है, पीपी से ही तो क्या बनता है हमारा, ओएए बनता है। फिर क्या है हमारा, C4 प्लांट मेज का एग्जांपल, सही बात है। लोकेशन ऑफ एंजाइम रूबिस्को, बंडल सीथ सेल, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये, क्योंकि प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट पीजीए नहीं बल्कि कौन सा होता है, ओएए, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए तो उस साइकिल का हम नाम क्या दिए, C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई क्या है, एटमोस्फेरिक CO2 लेवल। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा कि 4 कार्बन एसिड आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, क्या सही है ना। सेकेंड ऑप्शन द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड वाया पीपी कार्बोक्सिलेज, ये क्या लग रहा है यार, सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इन बंडल सीथ सेल, ये नहीं हो सकता। रूबिस्को इन C4 प्लांट हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इसका मैं सेकंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रूबिस्को के जगह पे पीपी कार्बोक्सिलेज का कोई भी एफिनिटी नहीं होता है ऑक्सीजन की तरफ। रूबिस्को हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि रूबिस्को का काम O2 और CO2 दोनों के साथ फिक्सेशन करने का है, लेकिन हमारे ये जो पीपी है इसका ऑक्सीजन के तरफ कोई भी एफिनिटी नहीं है, दैट्स वाई ये जो है एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेस लिमिटेड होता है किसमें, C4 प्लांट में। तो हम क्या बोलेंगे
कि पीपी कार्बोक्सिलेज हैज नो एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन ड्यू टू विच एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस लिमिटेड इन सी फोर प्लांट्स। ठीक है, और आपको अगर देखना है तो क्या देख सकते हो यार, कि जैसे ऑक्सेलो एसीटेट जो कन्वर्ट होता है मैलेट में, फिर वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बंडरसिल सेल में, जहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीपी में, किसके रिलीज से, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या चला जाता है, केल्विन साइकिल में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 हो जाएगा। ठीक है पीप, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज द रीजन ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या, कि रेड है मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ टू ड्राई फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से तो यार जो हमारे फाइटोक्रोम्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रेड लाइट के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा गलत है? ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग एटमोस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या है, कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि C3 प्लांट्स के पास क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम, जो कि एक्टिवेट होता है कब, जब हायर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आता है। लेकिन C4 प्लांट में क्या है कि पीपी होता है मेजर CO2 एक्सेप्टर, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मेनली इफेक्ट होता है किससे, इंजाइम से, ना कि टेम्परेचर से। मेनली किसे इफेक्ट होता है, हमारे इंजाइम से। ठीक है, और जो हमारे इंजाइम से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिनेचर्ड हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो C3 प्लांट है हाई टेम्परेचर पे अच्छा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है क्या कि C3 प्लांट मोर एफिशिएंट होता है कब, हाई टेम्परेचर पे। ठीक, और ये तो हमारा NCERT का लाइन है या डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि डायग्राम में से पहचानना है कि ABCD कौन सा है। ए तो हमने पहचान लिया क्या, कि जो एफ नॉट होता है वो एम्बेडेड होता है किसमें, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। तो पहला हमारा क्या हो गया, एफ नॉट। तो एफ नॉट या तो आंसर ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। बी हमारा क्या है, थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है। सी क्या हो जाएगा यार हमारा, PS2 हो जाएगा। क्या, PS2 हो जाएगा। और डी क्या है हमारा, PS1। ये है हमारे NCERT का डायग्राम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द CO2 फिक्सेशन इन C4 साइकिल इज कौन सा। पहले ही देख चुके हैं क्या, कि पीपी कार्बोक्सीलेज। कार्बन फिक्सेशन के लिए सबसे पहले कौन सा होगा, पीपी कार्बोक्सीलेज, क्योंकि प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ होता है, मीजोफिल में, और फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ होता है, बंडल सीथ सेल में। कहाँ पे, बंडल सीथ सेल में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीपी कार्बोक्सीलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेयरली बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। CO2 तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है यार, टेम्परेचर भी लिमिटिंग होता है, लेकिन लाइट से ज़्यादा इफेक्ट हमारे फोटोसिंथेसिस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इकट्ठे होते हैं प्रोटोन्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कब होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन की, और या फिर इस क्लोरोप्लास्ट की जगह पे हम क्या बात कर रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आंसर क्या जाता है हमारा, रेस्पिरेशन वाला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, तो हमारा क्या होगा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोर एफिशियंट CO2 फिक्सेशर्स आर, C4 प्लांट हो जाएगा मोर एफिशियंट। अच्छा, C4 प्लांट मोर एफिशियंट क्यों होगा, क्योंकि C4 प्लांट में जब हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड होता है उस टाइम भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। मतलब क्या, कि C4 प्लांट बहुत कम कंसंट्रेशन हो CO2 का, उस टाइम पे भी क्या कर सकता है, अपना एफिशिएंसी दिखा सकता है किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इन क्रेंज एनाटोमी द बंडल सिल सेल्स हैव। देखो यार, ये जो क्रेंज एनाटोमी, ये किसमें होता है, C4 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे C4 का एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, मेज और शुगर केन। ठीक,
इसमें दो तरह का फोटोसिंथेटिक अपैरेटस होता है, कौन कौन सा? एक होता है बंडल शीथ सेल और एक होता है मीजोफिल सेल। ठीक, इसमें क्या है कि कुछ वास्कुलर सेंटर्स भी होते हैं, जो कि जैसे ये मान लो ये हमारा वास्कुलर हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा होता है हमारा बंडल शीथ सेल्स, और उसके ऊपर कुछ ऐसे हमारे मीजोफिल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा रिथ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, क्रैंज एनाटोमी। तो इसकी खास बात यह है कि इनका वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था यार आज के हमारे वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें और हमें अपना कमेंट बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.